नमस्कार दोस्तों, फ्रीडी सिर्फ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों कैसे हैं, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं कि हम डिस्का सिग्नल सेटिंग करते हैं और मैन होता है डिस्का सिग्नल सेटिंग करने में फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे अच्छी लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है जो आपके सभी जो सैटेलाइट होते हैं डीडी फ्रीडी टाटा स्काई वीडियोकॉम नेटवर्क यानी सभी डिस्क सिग्नल सेटिंग के लिए एक एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक एक सिंबल रेट होता है और क्वालिटी होता है। तो दोस्तों यहां बात करते हैं लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी हमारा 2023 का लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा और उसी फ्रीक्वेंसी में हमारे जो सैटेलाइट है सेट कैसे होंगे। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में आपको पूरा लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी बताऊंगा जो अपडेट हुआ है, तो पूरी वीडियो आप देखना। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं दोस्तों डीडी फिडिस का फ्रीक्वेंसी, यानी डीडी फिडिस का जो फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो डीडी फिडिस अगर आपको सिग्नल सेटिंग करनी है तो एलएमबी स्क्रू एंगल आपको -25 से 30 के बीच में रखना होगा, यानी आप एलएमबी को 25-30 के बीच में रख लोगे तो आपका डीडी फिडिस सेटअप हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 110/90/29,500, क्वालिटी आपका भी रहेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे आप डीडी फीड सिग्नल सेटिंग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैन होता है डिस्क का एंटीना सेटअप करना, एलएमबी स्क्रू एंगल होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे आप डीडी फीड सेट करो। अब लेते हैं दोस्तों वीडियो को डीटीएच का फ्रीक्वेंसी, यानी हम वीडियो को डीटीएच के फ्रीक्वेंसी पे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करें। दोस्तों यहां बात करते हैं वीडियो को डीटीएच का जो एलएमबी की पोजीशन होती है -25 होती है, -25 पे आपको यहां सेटअप करना है एलएमबी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, 111/64 फ्रीक्वेंसी है, क्वालिटी भी रहेगा और सिंबल रेट है 44995। ये आपका वीडियो को डीटीएच का फ्रीक्वेंसी रहेगा। बात सवाल ये होगा कि वीडियो को डीटीएच का जो नया फ्रीक्वेंसी, तो ये बॉक्स, ये जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों मैंने आपको बताई है, ये वीडियो को उनके पुराने सेटअप बॉक्स में काम करेगी। अगर आपको वीडियो को उनका नया सेटअप बॉक्स है और नई फ्रीक्वेंसी पे आपको अपडेट करना है तो नई फ्रीक्वेंसी रहेगा आपका डिश टीवी का 12688, क्वालिटी भी रहेगा और सिंबल रेट रहेगा 27500 और एक फ्रीक्वेंसी 110/90/29,500, यानी आपको डीडी फीडिस पे और डिश टीवी पे दोनों पे सिग्नल आपको प्रॉपर रखने होंगे। एलएमबी के स्क्रू एंगल की बात करते हैं, एलएमबी स्क्रू एंगल रहेगा -28 से 30 के बीच में अप्रोक्स रहेगा। तो ये सेटिंग आप करके देखो तो आपका वीडियो को डीटीएच का जो नया सेटअप बॉक्स है ये सेटअप होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एयरटेल, यानी हम एयरटेल डीटीएच कैसे सेट करें। दोस्तों एयरटेल का डीटीएच का जो एलएमबी स्क्रू एंगल होता है सबसे अलग होता है, उसका स्क्रू एंगल -50 होता है। अगर आप -25 पे एयरटेल करोगे तो आपका सेटअप नहीं होगा। तो एयरटेल के लिए आपको -50 पे एलएमबी स्क्रू एंगल सेटअप करना होगा। और जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि एयरटेल का फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 11483 है, क्वालिटी भी रहेगा, सिंबल रेट 28800। ये फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपका एयरटेल पे रहेगा, लेकिन एयरटेल सेट करने से पहले एलएमबी की सेटिंग आपको करनी होगी। अब लेते हैं दोस्तों डिश टीवी का, यानी डिश टीवी दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो को नए जो सेटअप है उसकी फ्रीक्वेंसी बताई है, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका डिश टीवी सेटअप होगा। 12688, क्वालिटी भी, सिंबल रेट 27500। ये फ्रीक्वेंसी आपका डिश टीवी का है। इसके साथ आपको 110/90/29,500 क्वालिटी भी, इस फ्रीक्वेंसी पे भी आपको सिग्नल लाने होंगे और एलएमबी जो स्क्रू एंगल है -28 से 30 के अप्रोक्स आपको रखना होगा। सन डायरेक्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों सन डायरेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी है एचडी और नॉर्मल एक ही फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों आपका सन डायरेक्ट सेट होगा। सनडायरेक्ट की 12316, क्वालिटी एस, सिंबल रेट 30000। ये फ्रीक्वेंसी आपका सनडायरेक्ट है। इसके साथ ही दोस्तों आपको सनडायरेक्ट सेट करना 110/90/29,500 और सिंबल रेट 29500 पोलर टीवी, इन दोनों पे आप सिग्नल मिला दीजिए तो आपका सनडायरेक्ट प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको सनडायरेक्ट की। अब लेते हैं दोस्तों मेन होता है टाटा स्काई, टाटा स्काई का जो फ्रीक्वेंसी है 111/30, यानी टाटा स्काई का फ्रीक्वेंसी 111/30, सिंबल रेट है 32720, क्वालिटी भी। लेकिन दोस्तों इसे सेट करने के लिए आपको जो एलएमबी की पोजीशन है -10 से -15 के बीच में आपको रखनी होगी। अगर आप -25 पे कर दिए तो टाटा स्काई आपका सेटअप नहीं होगा। तो टाटा स्काई अगर आपको सेटअप करना है तो -10 से -15 के बीच में आपको सेटअप करना होगा। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी आपके लेटेस्ट 2023 की फ्रीक्वेंसी है और इन्हीं फ्रीक्वेंसियों पे दोस्तों आपके जो जितने भी सेटेलाइट मैंने आपको बताए ये सेटेलाइट यहाँ सेटअप होंगे और इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको सेट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।